अच्छा जी, आप आज कितने दिन बाद तशरीफ लाए हैं और किधर होते हैं? इधर ही होते हैं बॉस, आप भूल गए थे कि मैं यहाँ नज़दीक आ गया हूँ। नहीं नहीं, वो तो मेरे लिए खबर थी, कल जब आपका मैसेज मैंने सुना है ना जी, तो मैं तो रात के पिछले पैर आपको डिस्टर्ब करने आ रहा था। क्या अगर आप इस कदर दस्तयाब हैं? मैं इस कदर ही दस्तयाब हूँ। तो बस फिर आपको, हालांकि आज कोई ख़ास चीज़ मैंने सोची नहीं थी करने को, तो बट स्टिल अगर आप नेक्स्ट डोर रहते हैं तो फिर आपको यही होना चाहिए। ऑलमोस्ट नेक्स्ट डोर। और आपका कैरेक्टर महज शाही दरबार तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, यू शुड बी डूइंग समथिंग एल्स आल्सो। आई एग्रीड। और मैं डर पता है किस बात पे रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारों ने मामलात, नए नए लोग भर्ती हो रहे हैं, तो जब दो चार हैवी वेट्स आ गए तो आप तो नंबरों में मारे जाएंगे। नहीं, हम जगह बना लेंगे सर। पता नहीं कैसे बनेगी। नहीं, वो बन जाएगी, बैठने की जगह तो बन जाएगी। नहीं, मैं कहता बोलने की जगह भी बनेगी। अच्छा चले, द गज दे द मैदान दे, आओ का ना। सर आज आपका कमरा खाली खाली है, किधर गए आपके आर्टिस्ट्स? वो पता नहीं कहीं हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या कोई नई वारदात डाल रहे हैं? कुछ ना कुछ करन गया, हो रही तो मंगन। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग है ये दोनों। हाँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, प्यारे बच्चे हैं। They're nice. एक तो वैसे ही बड़ा मीसना है राशिद, अभी वो खुले नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, बट इज गुड, अच्छा प्यारा बच्चा है वो, तो जिनके साथ आप काम करके एंजॉय करते हैं ना, राशिद इज वन ऑफ दोज गाइस। और हामिद रंगीला साहब अब फॉर्म में आने लगे हैं, स्पेशली पिछली जो दो इनकी एपिसोड्स थी ना, हामिद उसकी निस्बत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। हाँ, वही ना, वो फॉर्म, क्योंकि हामिद ने टीवी ज्यादा कर रखा है ना, तो इसलिए राशिद जो है उसमें वेरिएशन बहुत है। वैसे खामोश रहते हैं लेकिन ऑन कैमरा लगा देते होते हैं बाउंड्री। यार एक सेकंड भाई, बात सुनना, कुछ थोड़ी सी चीनी भेजो उधर से। ये चीनी तो की करने भाई जी, कुछ छट्टा मारा तोड़े उधर फिक्के हो नेरे। किसी नूं अग्गे नहीं बदण दिंदा ओ, क्यों फैसला बादो तीन दिनां दे विच लाहौर पहुंचे आ, क्यों हर टूल प्लाजा ते खलो के ओदी डेफिनेशन करन लग गए, जे डंडा जो लगा हुआ है इसको 43 में सेंटिकल कंडीशन ने कहा था कि ऊपर करो इसे। ओ नाम रा चीनी लै गए आ गए, थोड़ी देर रुक जा, हुणे चीनी वाला काम शुरू होण लगा। एहतियातन रख दो, रख दो भी अंदर, क्या बात है। चीनी का सुन के एक आध मीठी भी किए। क्या बात है, तमिल फिल्मों का विलन होता है। गुड़ है ना, गुड़, गुड़, थोड़ा सा गुड़ ला, तो एक डंडा भी ले आई। मुर्दे का मूंह उधर कर दो, कहना कोई गल करनी है। हर शह ले आंदा, तू मरे पैसे वध गए तेरे, इना मनी जान दे ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਅਨ ਪਾਈ ਹੈ ਆਏ 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 ਸਤਿਆ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਇੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਡਾ ਥੈਲਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰੇਲੇ ਪਕਾਈਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੜਕਾ ਲਾਈਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਸ਼ੀ ਸ਼ੀ ਸ਼ੂ 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 ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਛੱਪ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲੂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਲੂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਕਰੋ ਭਾਂਡ ਥੋੜੀ ਹੋ ਆਏ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿੱਜ ਮਿਲਦੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਪਕੜ ਗਲਤ ਰਹੇ।
यार ये जरूरी है यहाँ से पकड़, इसकी ग्रिप यूं कर लो। पहलवान अकल भी कोई चीज होती है। इनको लाला दो महीने हो रहे, देखो ना बन गया कि नहीं। बन गया जी, बन गया। क्या कह रहे तुम जब आए हो ना, तुम्हारी ब्र भी ठीक नहीं है। ये अब ठीक है, वहां क्यों नहीं हुई थी? ओ सर मैं भाजदा जो तुर के करी थी फिर सही नहीं होती, तुम्हें पता ही है। तुहाडे तो कोई लुगी तो नहीं है। अब्बा वे अब्बा मेरी शर्मा वाली थी, मेरा करमाला अब्बा दस मेरी धीए। अब्बा मैं जवान हो गई, मैनू कितने ब्याह दे, दस मेरी धी ने कितने ब्याह कराना। अब्बा जी PSL हो रहा, को क्रिकेटर ही ला दियो। बस ठीक है फिर तेरा बाबर आजम ना ब्याह करा देना। मैं नहीं ओद ना कराना अब्बा। हो क्यों? वो तो 100 करके नहीं हटता। मैं तेरा हसन अली ना ब्याह कराना। हसन अली ना मैं नहीं कराना। वो क्यों? ओने जनरेटर स्टार्ट करी जाना। ले फिर तेरे लिए मैं रिश्ता लभ लिया। हाय बे अब्बा की दा चाचू इफ्तिखार दे नाल। मैं ओदे नाल नहीं कराना। वो क्यों? ओ तेरे नाल भी 2 साल बड़ा वा। फिर आजम खान ना करा ला, बड़े छिके मार दाई। ओदे नाल मैं नहीं कराना अब्बा। क्यों? ओ एडा भाला है ना हवे मेरे ते डिग जावे। बहुत मोटा हो गया। अच्छा 11 खिलाड़ी कम कर दिया, 12 दी आप ही रोटी खा जांदा। ए वाहद की पाला जड़ा बॉलर नू कहंदा वाइट ना कराई मैं तो फड़या नहीं जाना। ले हरती ये लाड़ा सोना सनका। ओ केड़ा अब्बा मामूल हक। मामूल हक ना मैं नहीं ब्याह कराउणा। ओ क्यों? ओदी एनक कौन लभ के देऊगा। रोई नाल दिया दे बड़िया होना उहने। मैं तो सारा दिन उहनू ही लभदी रहणा। मरे तू किते अब्बा, हुण इक्को खिलाड़ी बचदा। केड़ा? हां मैनू क्रिस गेल दे नाल ब्याह दे। ओदे नाल नहीं ब्याउणा। ओए अब्बा क्यों नहीं ब्याउणा? बस नहीं ब्याउणा। ओए मैनू कुछ दसेंगा भी नथी बेटा। अब्बा कह दे कुछ। ओदी ते हजामत ते बड़े पैसे लग जाने ने। अब्बा गल कोई होर आ, तू मैनू दस नहीं रिहा। ओ दफा हो जाती है। नहीं बैठ क्यों गए हो? सर थोड़ा है साथ काट लेन दियो। कितने सुकून से आप बैठे, इतनी देर से इतना शोर मचा रखा था आपने। एक टेंपो ऊंची हुंदी, मैं मेरे विच तुसी पांड फिर देखे ही नहीं। नहीं मैं वाकई नहीं देखे। पांड जेड़े हुंदे ने ऊंची आवाज क्यों, सर ऊंची आवाज ही बोलते ने पांड। लेकिन थिएटर में बोलते हैं, यहां पर तो एक छोटी सी जगह है, इसके ऊपर बां बां कर रहे हो। हुण तुसी आप छोटी जी इथे सिलेक्ट कीती है, असि की करे। तुम अपना वॉल्यूम कम करो। नहीं कम नहीं सर, तुसी जरा कुर्सी मड़ जी दूर करके डाल दे, तां सही आवाज आउंदी। ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਕੋ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਮੁਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੱਲਾ ਜਗਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇੱਥੇ ਅਰਬਿਆਂ ਦਾ ਮੱਲਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣ। ਅਨ ਮਾਫੀ। ਔਰ ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਠੰਡ ਇਤਨੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਕੈਸੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ شدید ਸਰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਮੇਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇਂ ਤੁਗਿਆਨੀ ਹੈ। شدید तो वॉक पे गए थे आज आप? जनाब आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि मैं ट्रैक पे जाने की बजाय सीधा समंदर के एन पास, क्योंकि वो धाड़ रहा था, चंगाड़ रहा था। आज तक मैंने इस कदर रेस्टलेस नहीं देखा, इसे फिपरा हुआ। और हवा थी ना, शदीद हवा थी और लहरें वो शोर मचा रही थी। मैं जब ट्रैक पे आया हूँ ना, तो थ्रू आउट ये जो 2.5 किलोमीटर का टुवर्ड्स अजमान जो ट्रैक है, उसमें यूँ लगा जैसे पीछे से कोई आपको पुश कर रहा है। बड़ा मज़ा आता है ऐसे में। तो इतनी आसानी, इतनी सहूलत से वो कसर निकल गई जब वापस आए ना। वो लगता जो मैं बुलडोजर ना कुश्ती हो रही है। वो आगे से वाकई प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। वो आज बड़ी ख्वारी थी और आज बहुत कम हाजिरी थी। मैं हैरान था कि आज तो मौसम बहुत अच्छा, लोग ठंड के डर से या बारिश के डर से नहीं आए। दोपहरे मेरी जान निकल गई है जरा सफाई वाला आया। क्या मतलब? ਸਲੈਡ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਓਏ ਬਾਹਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੇ ਸਾਥ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੈਪਰ ਦੇਖਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਸਫੈਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪ ਖਾਦੇ ਉਸ ਵਕਤ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਮੇਰਾ 20 ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦੀ ਕਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਹਿੱਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਟੱਪ ਭਰ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਧਰ ਬਾਹਰ? ਉਹ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕਰੇ ਸੱਚੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰਾ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾਈਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹਾਈਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ।
सर आपने इनको आज बुलाया था या खुद आए हैं ये? बस आ जाते हैं खुद ही बेचारे। तो दुबई में आके कोई शादी वगैरह अटेंड की या? इत्थे पता ही नहीं कित्थे करदे ने शादियां, होरे समुंदर च करदे ने कितने नहीं लाइटां लगियां देखियां भी होवेगा। चमोटा भी वेख लो हानो हो गया बिलकुल इत्थे आण के। क्या हो गया? मतलब के बिल्कुल मर मुक गया देखो ना। तो बड़ा सख्त था। हाँ ये पहले इसकी आकड़ मार दी है मैंने। रात नू हुण इहनू मैं इंज खोलांगा इहदे विच सौं जाएगा तो फिर उच्ची जगह ते रख देंगा कितने। अच्छा सर इनकी जो ग्रूमिंग सेशंस थे वो हो गए सर? हाँ जी, वो तो बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग थी, ग्रूमिंग की तो दूसरे तीसरे दिन थी मेरे ख्याल, तो अब तो ये ग्रूम हो गए हैं बहुत। शुक्र शुक्र। तो इनके बाकी बडीज कब आ रहे? बाकी इंशाल्लाह ये जो इस वीक में आने शुरू हो जाएंगे। गंदे अंडे ने तो बुलाओ, वो बड़ा मटीरियल जे हो टेंट ते 3000 गल हो जानी। वो तो खैर किस्मत नाल ही होएगी, लेकिन एक आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं, पुन्नू भी आ रहे हैं, अकरम उदास, सब तो पहले तो टेक्नीशियंस आ रहे हैं, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट और हसीब। सर अक्सर लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि हमारे जो आउटडोर व्लॉग्स हैं वो जैसे हम पिकनिक पे जाते हैं तो ये कब शुरू होंगे दोबारा? मेरी तरफ से कल कर लें। बारबेक्यू वगैरह टीम पूरी नहीं ना, इनको ले के साथ हौसला भी दे जाते हैं। जहाज भी उठाई जा रहे क्या जहाज? नहीं नहीं जहाज नहीं, सिर्फ दो मतलब है, दो के साथ गुजारा सर। तुसी एक दम ना कह दिया करो कि इनको, बंदा यही कह देता कि मेरी टीम नहीं पूरी। मैं तुम्हें यही तो कह रहा हूँ टीम पूरी नहीं, सिर्फ नहीं, और हिसाब ना कह ना किस मुझे जरा ये बताओ किस हिसाब से कहा? वो इनको कहाँ मैं ले जाऊँ, लगता कि जिम्मे असी कोई बोझ जाए नहीं बन गए दस ही यार। अगर हमने किसी फार्म हाउस पर जाना है पूरी कोच लेकर जाना है तो कोच में क्या खाली कोच लेकर जाए? लम्बे पै के चल जाएंगे सीट। नहीं लम्बे पै के भी क्या नहीं, फिर रस्ते में हम लोगों ने गाने वगैरह सॉन्ग अंताक्षरी वो सब करना होता है ना। वो बेसुरा तुम कगे हो करना क्या? ये मेरे लिए बायस इत्मीनान होगा कि जो पहला दिन होगा ना शो में जी, तो ये बिल्कुल अजनबियों की तरह नहीं वहाँ बैठे होंगे। इनका जो चाका शाका उतरना था, जो इनके साथ होनी थी, वो यहीं पर होगी। और कुछ थोड़ी बहुत अभी होनी है, दो चार दिन रहे। आपको सर दोनों से कितनी उम्मीद है? ये हौका ही जड़ा एकदम दरवाजा खोल के दे, ले जाओ भी इनको मेरी आंखों से दूर ले जाओ। हाँ मैं तुम ऑनेस्टली बताओ सीरियसली जी जी, तुम्हें शक है कि मैं तुम्हें इस तरह करूंगा वापस भेज सकता हूँ? नहीं सर मैनू शक नहीं, मैनू पक्के जनाब तुसी भेज दोगे। आपको क्या लगता है कि आप मतलब इन्होंने भेजना है तो आप कितना टाइम निकाल जाएंगे आप? मैंने लगता जो कहते हो टाइम काट लिया क्योंकि महीने का ही लगा है, अगो पता नहीं की होंगे रोज वे वे के रोन डे कि इन्ने दिन रह गए इन्ने दिन रह गए। नहीं वीजा महीने का है आपका जी या दो महीने का है? दो महीने, दो 60 days का है, 60 days का वो लगवाते एक महीने का है, फिर दूसरा महीना उनकी सवाबदी पे होता है कि लगवाना है कि नहीं। नहीं नहीं प्यार है इन्हों का, जे कहे चले जाओ तो असी तो नहीं जाना। क्यों नहीं जाना अभी तुसी? देखो जी साड़ी तो पूरी कोशिश है कि असी बॉस के दिल च उतरीए। दिल तो उतरीए? नहीं जी दिल च उतरीए, तुसी पानी पीन तो बाद करनी सी ये गल। अच्छा चलिए ये बताएं बारबेक्यू में क्या पसंद है आपको, मतलब छोटे का गोश्त मटन या कि बड़े की बारबेक्यू भी चलेगी? मटन और बीफ। और आप? मैं ये तीनों चीजें खा लेता हूँ, तो शापर भी खा जाऊँ। एक दफा आप आए थे, आप बता रहे थे कि जब आप भाग गए थे सर जी को देख के, वो क्या वाक्य? वो मैं कमरे के अंदर वड़े थे, एक वड्डा फनकार है, मैं उसका नाम नहीं लेना, वो हो रही थी पाकिस्तान। हाँ वो को कहते बादशाह की टेंपो। कितने साल पहले की बात? ये कुछ तकरीबन 14-15 साल पहलों की गल। अच्छा तो सलीम अलवेला मैंने अंदर लैके गया, तो बॉस ने को क्या होना को बंदा लैके आ। नहीं तो ये जियो जियो पे जो बड़ी शॉप। हाँ जी वो छोटा छोटा जहा दफ्तर सी, तो मेरे तो पहले वड्डा एक फनकार है, वो हो रही है, वो बादशाह की टेंपो नहीं सी निकल रही बेचारे को, कहाँ काम करते रहे हो तुम, कहा किया है तुमने काम? तो मैं फनकार वेख्या बड़ा वड्डा फनकार है, तो मैं सलीम का हाथ घुट दिता, मैं कह दी ड्राइवर है। लेकिन वो भी नहीं हटिया, उन्हें मेरा तार फेर करवा दिता। ये कौन है? ये अहमद रंगीला है। सर ने इंज वेख्या सिर तो पैरा तक, इसको साइड पे चेयर लगा के दो, वहाँ देखिए ये क्या हो रहा है। हाँ मैंने ये कहा होगा,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਸਾਊਂਡਸ ਲਾਈਕ ਮੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫੇਰ ਉਸੇ ਹੀ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੌੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਐਸੇ ਭਾਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਹਸਰਤ ਥੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੌਸ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਆਜ ਖੁਆਇਸ਼ ਆਪਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਭੀ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਕਿਆ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅਭੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਮਾਲ ਆਪਕੇ ਰਡਾਰ ਪੇ ਕੈਸੇ ਆਇਆ ਮੈਨੇ ਬਤਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤਾ ਥਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਇਨਮੇ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਤਸਕਰਾ ਕੀਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕਭੀ ਜਾਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਥਾ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਥਾ मैंने उसकी आवाजें सुनी बढ़ते पट्टी बड़ी देर पहले सुना हुआ था मैंने मुझे नहीं पता था कि ये करता था फिर वो तेजाबी टोटे उसके ऊपर जियो में चलता रहा वो ठीक है लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये जानी कर नहीं वो स्क्रिप्टेड था या उसकी अपनी वो स्क्रिप्टेड अपना वो उसकी अपनी क्रिएशन थी क्रिएटिव उसका वो मामला था वो अच्छा था लेकिन चूंकि वो लुक्रेटिव नहीं है उसमें जो पैसे कमाए वो सीडी शॉप्स ने कमाए थे क्योंकि यूट्यूब पे तो उसका रिटर्न ही कोई नहीं उस पर स्ट्राइक आ जाती है देन आई डिस्कवर्ड कि ये मुनासिब आदमी है इसी तरह मैंने इसको नहीं देखा था कभी नहीं देखा था मैंने ये बिल्कुल ब्लाइंडली ये फैसला किया सिर्फ हसीब के रिकमेंडेशन पे क्योंकि मुझे पता है हसीब किसी गलत बंदे को रिकमेंड नहीं करेगा उसको बड़ी अच्छी तरह पता है कि जब भी कोई टेढ़ापन आएगा मसला आएगा तो मैंने मुड़कर ना उसको नहीं देखना मैंने उधर हसीब को बैठे देखना एंड हसीब नोज दैट हमारा एक असिस्टेंट होता था उसकी आदत थी कि वो हर एरे गहरे को ले आता था कि मैं तुम्हें मौका दिलवा देता हूँ चांस दिलवा देता हूँ फिल्म में चांस और बात होती है वो एक दिन का काम होता है एक घंटे का काम होता है उसमें आपने सिर्फ दो फिक्रे बोलने होते हैं या चाय की ट्रे बर्तन रखने होते हैं तो जिसने परफॉर्म करना हो और रोज़ रोज़ का हो तो फिर तो मसला बनता है हसीब वुड नेवर डू दैट तो इसलिए उसकी चॉइस बहुत अच्छी थी आई फाउंड हिम वेरी गुड इसके लिए तो मैं खुद कहा करता था जब मैं इसको देखता था ना मस्तियाँ में और ज़बरदस्त में तो मैं कहता था कि ये अंडर यूटिलाइज्ड है अच्छा वो भी ज़बरदस्त में था डू यू नो ये ज़बरदस्त में मैंने क्यों भाईजान आप थे जी, ना जी मैंने सर एक साल किया है तस्लीम अब्बास और ये एक साल किया हराम है कि मैंने एक लम्हे के लिए भी इसको रजिस्टर किया तस्लीम अब्बास को किया तस्लीम अब्बास तो वैसे ही बहुत प्यारा है बहुत थी माशाल्लाह ये जो फैसलाबाद है ना फैसलाबाद इस फर्टिलिटी में बहुत आगे वेरी विटी पिछला दौर गुजरांवाले का था गुजरांवाला ने जी जी ऐसे हैवी वेट्स दिए आप जी इस वक्त जो है वो फैसलाबाद है छाया हुआ है तो तस्लीम अब्बास हेल्थ रीजंस ना ना उसकी होती तो ही वुड हैव बीन हियर वो वाला सोफा नीचा कर रहा होता बैठा हुआ वो वाला लेकिन उसके मसाइल की वजह से ना मैंने कहा एक जरा फिट हो ले क्योंकि मेरी दुआ है कि ये बड़े कीमती फनकार हैं बहुत कीमती फनकार ये एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं याद रखिए इनके आराम व आसाइश का ख्याल इनके मामलात का ख्याल ये प्रोड्यूसर्स को भी रखना चाहिए हुकूमत को लोग कहते हैं हुकूमत बेचारी इस जोगी नहीं है अच्छा यार कुछ थोड़ा सा आइटम को और पेश करो ना नीतिये नीतिये मेरा लाडाला बा मेरी लाडाली थी हाय वे मेरे आब्या दस मेरी थी किथे ब्याह कराउणा मेरा मीडिया च ब्याह करा दे मीडिया च क्यों करा दिया इन्हां नूं बड़ी आखर आई होई आ आहा ले फिर दिए हामद मीर ना करा ला अब्बा उहदे नाल मैं नहीं कराउणा ओह क्यों ओह ते आप अंदर होण दे बहाने लभ रिहा अज कल ऐसे हामद मीर है जेन्युइन ये जो एकदम उसके अंदर का सोया हुआ मीर जागा है ना ये है जेन्युइन मैं फिर भी नहीं कराउना मेरा फैसला अटल है भाड़ में जाओ तुम भी और भाड़ में जाए तुम्हारा ये गैंडा सिफत बाप भी अच्छा मेरा की कसूर है मैं तो कराउना चाहूंगा ले सर ये हसन नसार ना करा ला अब्बा उहदे नाल मैं नहीं कराउना क्यों ओ कचीचियां बड़ियां लैंदा मरे तू सलीम साफी ना करा ला अब्बा सलीम साफी तौबा तौबा अल्लाह साफी चल फिर उमर आदल ना करा ला उहदे नाल मैं नहीं कराउना अब्बा ओ क्यों ओ मसाला बड़ियां बेशर्म दिंदा ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚੀ ਆਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਬਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾਈ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਜਬ ਹਮ ਉਨਕੇ ਘਰ ਗਏ ਹਮਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾ
फिर उन्होंने चीत में से देखा, फिर हमने कहा तुम फड़े गए हो, फिर उन्होंने दरवाजा खोल दिया, पहले हमने देखा वो कुछ खा रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद वो नहा रहे थे, हमने बड़ा दरवाजा खोल दिया, उन्होंने हम पर कुत्ता खोल दिया, फिर हम डरने लगे, पानी छोड़ दिया, हम तरने लगे।